उपस्थित मेरे सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सोहबत का, संगत का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर जिनका समयोचित मार्गदर्शन हर हमेशा मुझे प्राप्त होते रहता है। मेरा परिवार जिसने मेरा भरसक साथ दिया, मुझे जिंदा रखा, मैं आप लोगों के बीच में बार बार आ सका और यहाँ आते रहने के कारण आज ये एहसास है। इस एहसास के साथ में मैं जीता हूँ कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी ने आज के एक दिन के आधार पर मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे नागपुर के नवजीवन समूह, नागपुर के बहुत सारे मेरे मित्र जो इस सभा में है, रामटेक, शीतलवाड़ी, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और बहुत सारे जगहों से जो मेरे सभासद साथी जुड़े हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग के जो भी आयोजक है, मैं मंगेश भाई को तो जानता हूँ, उमेश भाई को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों का योगदान है, उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि अनुभव कथन का ये मौका मुझे दिया जाता है। दोस्तों, आज का जो विषय मेरे लिए है, अनुभवों के आधार पर जिसे मैं आपके बीच में साझा करने की कोशिश करने वाला हूँ, वह है लताड़ना, लज्जित होना, लांछित होना, बार बार शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी में जिंदगी जीना, शर्मसार एक जीवन मेरा बन जाना। जिसे बार बार ह्यूमिलिएशन की कहा गया है कि जबरदस्त रीते है और ह्यूमिलिएशन में से मैंने गुजरना। मेरे साथ में जुड़े हुए सभी वो लोग जो अल्कोहलिज्म में, खास करके जब एए में आने के बाद में मैं सुनता हूँ कि ये एक बीमारी है, जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार को, मेरे से जुड़े हुए कई लोगों को ग्रसित करती है, न्यूरोटिक करती है, उनको मानसिक रूप से बीमार करती है, वो हिस्टेरिक हो जाते हैं कई बार, वो इतने ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं और मेरे हर्षल भाई उनको मैं बधाई देता हूँ, शरद भाई को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि एक सही मार्ग पर आना और सही मार्ग पर चलना या वापस दोबारा जिंदगी में आना या आने की आशाएं पूर्णतः जहाँ लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो प्रताड़ना कितनी जबरदस्त होती है ये एक शराबी समझ पाता है। मैं दोनों भाइयों को सुन रहा था और दोनों के साथ में अपने आप को बिल्कुल प्रतिबिंबित होते हुए अपने खुद को देख रहा था। दूसरी तरफ है नम्रता, जिसे कहा गया है कि अनामिकता हमारे सभी परंपराओं का, यानी जो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की धरोहर है उसका आध्यात्मिक आधार है, वो हमें व्यक्तिमत्व से पहले तत्वों को रखने की सूचना करता है। ये जो सूचनाएं हैं या अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो प्रपोजल देता है या मुझे एक प्रकार से
हिदायतें देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय को न गवाते हुए मैं इस विषय के संबंध में आते हुए उन बातों को, खास बातों को लाने की कोशिश करूंगा जो एक धरोहर के रूप में एक 19वीं सदी का चमत्कार है, जहां पर कई युगों से, कई वर्षों से, कई सालों से एक शराबी का विधान बन गया था कि वो मर जाएगा, प्रताड़ित होते रहेगा, लज्जित होते रहेगा, उसके साथ में उसकी फैमिली या उससे जो भी बातें जुड़ी हुई है, जो हमारे 12वें कदम में कहा गया है कि मेरे जीवन के सभी अंग वो पूर्णतः मेरे से छीने जाते हैं, मैं अकेला गिर जाता हूँ। एक समाज जो उस वक्त से लेकर आज तक भी एक शराबी की तरफ एक जबरदस्त हीन भावना से, घृणा की भावना से देखता है, उसे शापित, कलंकित मानता है, उसे एक ऐसा राक्षस के रूप में देखता है, जहां पर शायद आज भी बहुत सारी बातें हैं जो अल्कोहलिस्ट एनोनिमस आज भी नहीं कर पाया, जिन्हें करने की आवश्यकता है। और ये वो 19वीं सदी का चमत्कार है, और ये चमत्कार वैसा चमत्कार नहीं है जो सर्वसाधारणता दुनिया की मान्यता होती है। ये तो हो जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो शरीर और मन से पूर्णतः, जिनके जिंदगी में किसी प्रकार के कोई आशा नहीं बची थी, ऐसे अटरली होपलेस कंडीशन में हम आ गए थे, जहां से हमारा एक परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसम्यूटेशन हुआ, एक पूर्ण बदलाव हुआ, प्रोफाउंड चेंज हुआ, साइकिक चेंज हुआ, जो अनेक शब्द हमारे बेसिक टेक्स्ट बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिल साहब देते हैं एक ही प्रक्रिया के लिए, जिसे आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभूति या आध्यात्मिक जागृति कहा गया है। जो जबरदस्त रीते एक शराबी के जीवन में आए बिगर उसका बचपाना असंभव है, जो प्रक्रिया दूर दूर तक कहीं पे भी संभव नहीं थी, सब व्यवस्था फेल हो रही थी, वहां पे ये परिवर्तन सिर्फ एक देन है, एक कृपा है, एक गॉड गिवन प्रोविडेंस है, ईश्वरीय योजना है कि चमत्कार के रूप में हजारों में से एक शराबी जो जिंदगी में पुनर्वापसी कर सकता था, जो कार्ल जंग कहता है, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ कहता है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे नॉलेज के परे है, हमारे समझ के परे है, हमारे प्रैक्टिस के परे है। ऐसा कुछ तो भी शराबी के साथ में हुए बिगर, जहां पर हमारे ज्ञान से, हमारे विज्ञान से, हमारे नॉलेज से कुछ तो भी और ज्यादा की आवश्यकता है, हम हतबल है। ये विज्ञान, वैज्ञानिक शास्त्र के लोग अपने हतबलता को स्वीकार करते हैं उस टाइप ऑफ अल्कोहलिक के साथ में, जो अन्य लोगों से भिन्न है, अन्य शराब के सेवन करने वालों से भिन्न है। यहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे अनुभव के, अपने अनुभव के आधार पर जो बहुत सारी बातें मेरे सामने रखता है, उसमें बिल्कुल शुरू में ये कैसे संभव होता है, इसमें यह कहा गया है कि विथ ऑल द अर्नेसनेस, हमारे पूरे जानकारी के साथ में बड़े विनम्रता से हम हाथ जोड़ के आप लोगों से भीख मांगते हैं कि आप शुरू से ही इस कार्यक्रम को पूर्णतः निडर होकर अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, पूर्णतः, संपूर्ण, हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी साध्य नहीं हुआ, हमें मूल कारणों तक जाना ही पड़ा। वो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि सरफेस पे ऊपरी तौर पर, ऊपर ऊपर सतह पर काम करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला,
जब तक मैं डीप विद इन उसके मूल तक नहीं पहुंचता। आज जो भाई लोग यहां पर जुड़े हैं, जो मेरे ही समान शराब की समस्या को लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस इच्छा के साथ में आते हैं, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बन के ये धरोहर उन्हें मिल सके, ये अधिकार उनको प्राप्त हो सके, एक नम्रता का जीवन, एक आनंद का जीवन, एक सहिष्णुता का जीवन, एक सहनशीलता का जीवन, एक त्याग और कृतज्ञता का जीवन, एक जबरदस्त खेव जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक वैल्यूएबल लाइफ, एक अपने जिंदगी में कभी जो उसने सोचा नहीं था उससे एक ऊपरी स्तर का कार्य पद्धति उसके जीवन में आना, एक शिस्तबद्धता आना, एक लयबद्धता आना, एक मधुरता आना, क्योंकि नम्रता तो अनेक गुणों की जननी है। तो ये दुर्गुण या ये जो विश्लेषण हम बार बार करते हैं, वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है डू नॉट एनालाइज, यूटिलाइज। एनालिसिस में मत जाओ, एनालिसिस करके कुछ साध्य होने नहीं वाला। इन साधनों को, ये स्पिरिचुअल टूल्स जो हमने आपके कदमों पे रखे हैं, कदमों के पास में रखे हैं, उनको उठा लो। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि वी स्टूड एट अ टर्निंग पॉइंट, हम एक ऐसे मोड़ पर आकर पहुंचे जहां पर या तो हम उसी प्रताड़ित, लज्जित होने वाले, लांछित होने वाली, जबरदस्त ह्यूमिलिएशन वाली जिंदगी, वो दलदल वाली जिंदगी वो जिए, या इन साधनों को उठाए, इस सॉल्यूशन को ले, देयर इज अ सॉल्यूशन, इसको पूर्णतः मान्यता दे, इसका स्वीकार करे, या उन्हीं अनुभवों को रिपीट करते जाए। क्योंकि अगर मैंने मेरे अनुभवों से सबक नहीं ली, सीख नहीं ली, पाठ नहीं पढ़ा, तो वही अनुभव बार 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 रिपीट होने वाले हैं, यानी मेरे नसीब में या मेरे विधान में एक शराबी होने के नाते ये लिखित है कि या मेरे जिंदगी में शराब है या नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि शराब मेरे बीमारी का दिखने वाला बाह्य स्वरूप है। शराब ने सिर्फ वो बात को दिखाया कि मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे असल जिंदगी जो है वो असल जिंदगी में ही कोई तो भी गड़बड़ी है, मेरे सोच में, मेरी धारणाओं, मेरी मान्यताओं में, जो मैंने मन बना के रखा है और जिसके कारण मेरे विचार, मेरा बर्ताव, मेरा चाल चलन, मेरी बोलचाल सब जिसके कारण बनी हुई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुख्य रूप से वो तीन जो मूलभूत संकल्पना है जहां पर संपूर्ण पराभव की बात है, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति संपूर्ण पराभव को मानने को तैयार ही नहीं होता। उसकी मूलभूत जो उपजत प्रवृत्तियां है वो उसको ऐसा करने ही नहीं देते, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति के जहन में पहले से, शुरू से कही तो भी ये बात थी कि जो बलवान है वही वही बना रहेगा, जो कमजोर है वो टिक नहीं पाएगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति का जो बीमारी बताई गई, जो मरते दम तक मेरे साथ में है, जो फिजिकल एलर्जी का भाग है, जो एक शराबी के साथ में ही है, अन्य लोगों के साथ में नहीं है, एक मॉडरेट ड्रिंकर, एक हैवी ड्रिंकर, जो कुछ जीवन में आने वाली विपदाओं के कारण, प्यार के कारण या उनके ऊपर आए हुए संकट के बाद में अपनी जिंदगी में शराब से दूर हो जाते हैं, उसमें शायद एक हैवी ड्रिंकर को दिक्कत जाती है, उसको मेडिकल साइंस की मदद लेना पड़ता है, उसको एडमिट होना पड़ता है, उसको डिटॉक्स होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में वो अपने शराबखोरी के ऊपर पाबंदी लगा देता है, क्योंकि उसमें वो फिजिकल पार्ट नहीं है। लेकिन एक शराबी ये जानते हुए कि शराब उसके लिए घातक बन चुकी है, जानलेवा बन चुकी है, वो उसकी जिंदगी का स्तर नीचे गिरते जा रहा है, नैतिक अधपतन हो रहा है, जबरदस्त रीते एक अंधेरे खाई में ढकेला जा रहा है, रिश्ते नाते संबंध टूट रहे हैं, वो दुखी कष्टी जीवन जी रहा है, भावनिक रीते उद्रेक है, एक तूफान है, एक सेल्फ विल रायट जिसको कहा गया है कि अपने ही इच्छाओं से अपने ही जिंदगी में
एक तूफान खड़ा कर देता। हर हमेशा एक कमीपना के भावना से जीना, एक चाइल्डिश नेचर, एक बाल्यावस्था में ही बने रहना, वो समझ न आना, वो मैच्योरिटी न आना, वो मानसिक विकास न होना, ये बातें एक शराबी के साथ में ही है। और वो यहां तक अपनी जिंदगी में अपना भरोसा उसका टूट जाता है, उसके घर वालों का टूट जाता है, जबरदस्त रीते वो प्रताड़ित होते हैं, लांछित होते हैं, जैसे मेरा हर्षल भाई कह रहा था, वो बड़े साफ शब्दों में कहा उन्होंने, लेकिन वास्तविकता में जब दीप विदीप में जाता हूं तो शब्द ये है कि उनको लज्जा लगती है, उनको लगता है वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, चार लोगों में जा नहीं पाते, कहीं मिक्स नहीं हो पाते, समाज से टूट जाते हैं, रिश्ते संबंधों से दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक शराबी ही नहीं होता, उसके साथ में इस लज्जा को, इस प्रताड़ित जीवन को उसके घर वालों को भी झेलना पड़ता है। ये जबरदस्त बात जो अल्कोहलिज्म की है कि एक शराबी के साथ में शराब इतनी ताकतवर बन जाती है, इस प्रकार वो धूल मायावी चकमा देने वाली, भूलभुलैया में डालने वाली, वशीभूत करने वाली, एक जो बिलडब्ल्यू बोलता है कि मुझे मेरा मैच मिल गया, मैं वहां पर पहुंच गया था जहां पर पूरा अंधेरा था, खालीपन था, वो जो जबरदस्त रीत्या उसने बयान किया है कि खुद की सहानुभूति की गंदे गंदी दलदल से मुझे जो अकेलापन या निराशा मिली, ऐसी जबरदस्त निराशा, निरुपयोगिता, निष्क्रियता, जिंदगी में ऐसा लगना कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, वो जबरदस्त बात एक शराबी के जीवन में बार बार आते रहते हैं, बार बार वो टूटते रहता है। और बिल साहब लिखते हैं कि एक शराबी ऐसे शरीर और मन की उसको देन है कि वो बार बार प्रताड़ित होता है, बार बार हारता है, बार बार वो अपने जिंदगी में एक ऊंचाई पे जाना चाहता है, अग्रस्थान पे जाना चाहता है, केंद्र बिंदु बनना चाहता है, हर किसी का चाहता बनना चाहता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कभी अपने जिंदगी को तहस नहस नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, ब्रेक नहीं है, खुद को बचाने का या सुरक्षित रखने का कोई तरीका उसके पास में नहीं है, वो अज्ञानी है। यहाँ पर, यहाँ पर वो एक बाल्यावस्था में है, और जब तक वो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के शिशु वर्ग में आध्यात्म के धड़े नहीं लेता, लेसन नहीं लेता, जब तक वो उस नम्रता में नहीं आता, उसका पतन होते जाता है, वो एक खाई में जाता है जिसका तल नहीं है, जहां पर अंत है, और वो अंत विधान है कि एक आदमी मर जाएगा पीते पीते, मगर बार बार और पूरी दुनिया भौचक की रह जाएगी कि ऐसा इसके जिंदगी में क्या है, आकलन नहीं होगा, अनाकलनीय बात है, कोई इसको समझ नहीं पाया कि एक शराबी के साथ में असल में होता क्या है, सिर्फ हमारे अनुभव ही उसको बयान कर सकते हैं। और इसलिए ये जो बात है कि मैं हार गया था, मैं एक ऐसे शराब के चुंगल में आ गया था, वो मेरे लिए एक जबरदस्त रीते एक ताकत के स्वरूप में मुझे उसने अपना गुलाम बना लिया था, ये बात जब तक एक शराबी पूर्णतः स्वीकार नहीं करता हार की, वहां से ही जब मैं ये बोलता हूं कि हां मैं एक शराबी हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं होता, मैं हतबल हूं, और अपनी उस हतबलता को स्वीकार करता है, जब तक वो सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, चाहे वो उसके जीवन का कोई भी अंग रहे, ये मैंने किया है, मैं जा रहा हूं मीटिंग, मैं जा रहा हूं काम पे, मैं परिवार के लिए कुछ कमा के ला रहा हूं, मैं परिवार के लिए ये कर रहा हूं, ये जब तक ये मैं चलते रहता है, यानी तभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है ये मैं, यानी मेरे बीमारी का वो भाग है जो दृश्य नहीं होता, जो दिखता नहीं है, शराब दिखती है, मगर ये मेरा मैं का वो भाग है जो मेरा असली पाश है, जो मेरे को ह्यूमिलिएट करता है, जहां से मेरी इच्छाएं आती है, अपेक्षाएं आती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आते हैं, जबरदस्त लोगों से मैं बोलता हूं मैंने उनके लिए इतना किया, वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते,
मैं उनके लिए अपना सब पूरा जीवन लगा देता हूँ, काम पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और वही लोग मुझे है दुत्कारते हैं, मेरे को गाली देते हैं, मेरे को अपमानित करते हैं। मैं अपने भावनाओं को, अपने संवेदनाओं को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाता, उनको दबाता हूँ, वो बॉम्ब बन जाते हैं। और करके साइकेट्री साइकोलॉजी ये बोलती है कि ये एक अनुबॉम्ब के समान है, शराबी एक अनुबॉम्ब है, ये कब क्या करेगा, कहाँ फटेगा, एक गलत जगह पे, जैसा एक ग्रेनेडर ग्रेनेड डाल देता है, वैसा मेरे जिंदगी में कब क्या होगा, वो यानी एक प्रकार से अनप्रेडिक्टेड है, उसका प्रेडिक्शन ही नहीं है किसी के पास में। करके लोग बोलते थे आदमी अच्छा है यार, मगर इसके ऊपर विश्वास कर रहा, क्या करेगा मालूम नहीं, कब ये कैसा रिएक्ट करेगा, क्या कभी ये बहुत दानशूर, बहुत धम्र, एकदम से यानी एक ड्यूअल पर्सनैलिटी, एक जबरदस्त ड्यूअल पर्सनैलिटी, मैं उसका धनी था। एक एक्सट्रीमिस्ट नेचर, यानी खाइन तो तुपाशी नहीं तो उपाशी, ऐसा एक व्यक्तिमत्व जो एक केंद्र बिंदु के स्थान में रहता था, नहीं तो कहीं नहीं हो। उसकी परिभाषा यह की गई है कि जैकल एंड हाइड, या तो सब तरफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कोई किसी में महारत नहीं, कहीं पे पूरा संज्ञान नहीं, कहीं कोई भी जानकारी पूर्णता नहीं, अधूरी जानकारी, अधूरे जानकारी को ही सच मानते रहना। यानी मेरे जिंदगी में मेरा अज्ञान, मैं उसके बारे में मेरे को मालूम ही नहीं है, सही में तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कहता है कि वो तीन मूलभूत संकल्पना है, ये मेरे अनुभव में बार बार आ चुकी है, इसकी सिद्धता आ चुकी है, एविडेंसेस आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये मेरा पाया नहीं बनता, जबरदस्त कॉन्क्रीट नहीं बनता, इसके ऊपर मैं पूर्णतः काम नहीं करता, मैं सरफेस पे ही काम करता हूँ। क्योंकि वो जो ललक है, वो जो पैशन है, वो एक डेस्परेट पैसे के समान अपने जिंदगी में वो जो निर्णय है कि मैं किसी भी हद तक जाकर अब वो पाना चाहता हूँ जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को ऑफर करती है, देना चाहती है, मेरे लिए एक धरोहर के रूप में देती है, वो मैं पूर्णतः संपूर्णतः अपने जीवन में लेने को तैयार हूँ। जहाँ पर नम्रता है, जहाँ पे ईगो डिफ्लेशन है, अहंकार का खच्चीकरण है, मैं को नेस्तनाबूद करना है, मैं को अगर मैंने शेष रखा तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो मेरी मानसिक अवस्था है कि मैं जानता हूं कि शराब मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन ये इस प्रकार से एक पाश है कि मैं अकेला ही उसका सामना करता हूं। वो अकेला है, मैंने उससे लड़ते रहना, अपने सिचुएशन को अच्छी करने की कोशिशें करना, अपने संबंधों को अच्छी करने की कोशिश करना, एनालाइज करना, यूटिलाइज न करना, यानी ही बोला गया है कि मिरर सिर्फ मॉरल कोड और गुड लिविंग जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, कि अब मैं समय पे उठता हूं, समय पे अपने सब बातें करने की कोशिश करता हूं, ये करना अच्छी बात है, मगर इसमें मैं कर रहा हूं कि ईश्वर तू मुझे मुझसे ये करा करके प्रार्थना करके कर रहा हूं, क्या मैं ईश्वर को कोई मान्यता दे रहा हूं, क्या मैंने ईश्वर की संकल्पना को जाना है, इसको क्यों करना है, व्हाई आई हैव टू डू ऑल दिस। ये बात मैंने देखी है कि मैं शराब रुक गई तो ये कह रहा हूं कि अरे बाप रे तूफान रुक गया, जिस तूफान से सब तहस नहस हुआ, तो मैं आजू बाजू में मेरे परिवार जनों को बोलता हूं ये तूफान रुक गया, ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन जो पूरा जीवन बिखरा पड़ा है उसका क्या। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि एक मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, एक हतबलता है, मैं एक शराबी हूं, एक रियल अल्कोहलिक हूं, जो कभी भी वापस दोबारा जिंदगी में आने की क्षमता जिसकी खत्म हो गई है, जो बियॉन्ड ह्यूमन रीच है, वो व्यवस्था जो मानव द्वारा की जाती है, उसमें मैं मेरी खुद की विल पावर आई, इच्छा शक्ति आई, नॉलेज आया, मेरा खुद के इच्छा से बार बार खड़े होने की कोशिश करना आया, वो सब बातें आ गई। लेकिन दूसरे तरफ है
ह्यूमन प्रॉब्लम्स या लिविंग प्रॉब्लम्स, वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स या लिविंग प्रॉब्लम्स जहां पर संवेदनाएं हैं, जहां पर भावनाएं हैं, जहां पर फीलिंग्स है, जहां पर मेरे जिंदगी का एक चाल चलन है, बिहेवियर है, उसमें सुधार नहीं आता। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं एक लीप ऑफ फेथ वो उस तरफ ही रहता हूँ, मेरे को लगता है कि यही सही जीवन है, मुझे उस वो जो शराबी जीवन है, प्रताड़ित होने वाला, लज्जित होने वाला, बार बार ह्यूमिलिएट होने वाला, बार बार शर्मसार होने वाला जीवन जो है, मुझे ऐसे लगता रहता है, भ्रम में जाता हूँ, भ्रमित होता हूँ कि यही जीवन है यार, मेरे को लोग ऐसा ही समझते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में अंदर में वो बंडखोरी आ जाती है, डिफायंस आता है, तुम अगर बोलते हो ना ऐसा ही हूँ तो चलो ऐसा ही रहता हूँ मैं, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, ये जिंदगी में तो जो होना है होना है, मरने के बाद में मेरे को सजा मिलेगी ना, भगवान सजा देगा ना, कढ़ाई में डालेंगे ना, जो करेगा पाताल में भेजेगा ना, मगर इसी जिंदगी में मैं नरक की यात्रा भोग रहा हूँ, मेरे घर वाले भोग रहे हैं, मेरे हितचिंतक भोग रहे हैं, मेरे आजू बाजू के सब लोग भोग रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, यहां मेरी समझ कम गिरती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक मैं इस सॉल्यूशन को नहीं समझता, ये क्या है, व्हाई, क्यों, मेरी सैनिटी क्या है, मेरा ऑब्सेशन क्या है, मेरा किस प्रकार से मैं एक ऑब्सेस पर्सनैलिटी हूं, पहले से मन बना लेता हूं, पहले से विचार करके रखता हूं, पहले से मेरे इरादों में ही कुछ तो भी खोट रहती है, इंटेंशंस में, मोटिव्स में कहीं तो भी गड़बड़ी रहती है, मेरे सोच विचार में ही कोई तो भी गड़बड़ी है, मेरे थिंकिंग में ही स्टिंकिंग है, मेरे में कहीं पे तो भी वो डरों से प्रेरित है, वो सेल्फ सेंटर्ड फियर्स है जो मेरे विचारों को दिशा देते हैं, वहां पे फेथ नहीं है, वहां पे विश्वास नहीं है, वहां पे श्रद्धा नहीं है, वहां पे ट्रस्ट नहीं है, वहां पे भरोसा नहीं है, और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि एक तो मैं वो प्रताड़ित जीवन जीते रहूं। बड़े सुंदर तरीके से ये बात को लिखा गया है, व्हेन वी बिकेम अल्कोहलिक, जब हम शराबी बने, क्रश बाय सेल्फ इम्पोज क्राइसिस, मेरे दुखों का, मेरे जीवन में आई हुई समस्याओं का, जो नौकरी आ गई, रिश्ते नाते संबंध टूटे, पैसे पाने से लंग लंग हुआ, चाहे वो जुए में हो, चाहे वो बाई बाटली या जो भी मेरी आदतें थी, उन आदतों के वजह से हो, लेकिन असल बात तो ये है कि ये तो मेरी इच्छाओं के कारण, मेरे सेल्फ विल के कारण, मेरे खुद के बर्ताव के कारण मेरे जिंदगी में हो रहा था, ये जो भी हुआ उसके लिए तो मैं कारणीभूत था, वी कुड नॉट पोस्टपोन और इवेड, मैं जो बार बार इस बात को ढकेल रहा था, यार मेरा अहम बोलता था तेरे को ये करने की आवश्यकता नहीं, सब ठीक हो गया ना, घर वालों को क्या होना था, तेरी शराब रुक जाए, अब तो शराब रुक गई है ना, अब तू ठीक है ना, अब रिश्ते नाते संबंध सुधर रहे ना, अब तेरी शादी हो रही ना, अब बाल बच्चे हो रहे ना, मगर ये आंसर है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं, आंसर तो रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी है, होलनेस ऑफ माइंड है, साउंडनेस ऑफ माइंड है, आंसर तो नम्रता है, ह्यूमिलिएशन नहीं है, आंसर तो मेरा भावनिक संतुलन है, संयम है, संयमित जीवन है, मेरे जीवन में ब्रेक आना है, मेरे साथ में है जो बोला गया है कि मैं किसी भी चीज से अटैच हो जाता हूं, मेरे को डिटैचमेंट नहीं आता, तो आई कुड नॉट पोस्टपोन, अब मैं टाल मटोल नहीं कर सकता था, और इवेड या इसको मैं ढकेल दू, जो फियर बोलता था तू मत कर रे भा, मंगेश भाई को बताएंगा तो क्या बोलेंगे लोग, तो मेरे सीक्रेट वो बाहर आ जाएंगे, मैंने जो मन के खेल खेले हैं, मैंने जो ये मैनिपुलेशन किया है, मैंने जो हेरा फेरी की है, हिसाबों में गड़बड़ी की है, जो अनेक जगहों पे मैंने जो अपनी ही चला के अपने जिंदगी को तहस नहस किया है, ये मैं मेरी जवाबदारी कैसे स्वीकार करूं, मैं कैसा ये बोलूं कि इसका सबका कारणीभूत मैं ही था, ये सब मेरे द्वारा हुआ है, यानी अपने आप का, रियलिटी का, सच्चाई का, ट्रूथ का स्वीकार न करना, ओनली ट्रूथ विल रिलीव मी, फ्रीडम अगर मेरे को मिलना है तो मेरे को ट्रूथ को आना पड़ेगा, और ट्रूथ को स्वीकारना नम्रता है, वी हैड टू फियरलेसली फेस द प्रपोजिशन, अब यहां के वो डर सब बाजू करके
ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजल जो दिया जाता है अल्कोहलिक दिवस में बार बार, कि तेरे द्वारा हो सकता है क्या, कर रहा है क्या, तो तीन बातें कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी चला नहीं पा रहा हूं, कोई भी मानवीय उपाय योजना मेरे शराबीपन को ठीक नहीं कर पा रही, एक तत्व है वो है प्रिय ईश्वर जिसके द्वारा ये हो सकता है। तो प्रपोजल क्या है मेरे लिए, सॉल्यूशन क्या है, व्हाई आई शुड डू इट, क्योंकि सेल्फ विल चला रही, सेल्फ नॉलेज चला रही, सेल्फ रिलायंस चला रही। और जब मैं बोलता हूं कि यार इतना सब होने के बाद में भी मैं जिंदा हूं, वन पीस में हूं, सब कुछ हो गया मगर मेरी सांसें चल रही है, तो ये चलाने वाला कोई तो भी और है। यानी जहां अकर्ता का भाव आता, आई एम नॉट द डूअर, करने वाला मैं नहीं हूं, जब तक मैं करने वाला हूं, मैं, तो हमारे जॉन साहब बोलते थे मैं खाना। और जब मेरे समझ में आता कि मैं नहीं हूं, कोई तो भी और एक शक्ति है जो एक अनाकलनीय शक्ति है जिसका आकलन नहीं है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे कायनात को चला रही है, जो अणुरेणु में है, जिसकी मान्यता जैसे भी मैं देता हूं, वो रिविलेशन होता है मेरे को, जो अंदर से वो बात आती है। और यहां पर वो प्रपोजिशन है दैट आइदर गॉड इज, या तो भगवान है। अब ये बोलना हायर पावर और ये यार ये मेरे को जो बिल बोल रहा था, ये मेरे को धर्म वगैरह मत बताओ, मेरे से नहीं होने वाला, वो पहली स्टेप लेने के बावजूद भी ये बात को स्वीकार न करना, यहां पे उसका अहम बने रहना, अहम का न टूटना, यानी ही बॉटम हिट न करना, यानी ही उसकी लोलुपता या उसके अंदर में कहीं पे तो भी वो लालसा कि मैं दोबारा कभी तो भी उन लोगों के समान आनंद ले सकूंगा बिना कोई दिक्कत के, जिनको मैं मेरे आजू बाजू में शराब भाई बाटली जुगाड़ और अन्य सब वो बातें करते हुए देखता हूं और आनंदित जीवन जीते हुए देखता हूं, वैसा मैं भी जी पाऊंगा। ये जो कहीं पे तो भी एक छुपा हुआ विचार है, मेरा मत है, मेरा इंटेंशन है, मेरे इरादे में एक खोट है, वो पूर्णतः स्मैश डाउन होने को ना, और करके ये प्रपोजिशन जो है आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट। यहां से वो बोलते हैं कि आई एम रॉकेटेड इनटू फोर डायमेंशन लिविंग। अगर मैंने ये बेस बना लिया है जहां से एक रॉकेट लॉन्च होना है, तो बेस ही अगर मजबूत नहीं है तो वो धसने वाला है, और अगर वो बेस मजबूत है तो मैं एक नए दुनिया में आने वाला हूं, और वो लेके जाने वाली है ईश्वरीय कृपा वो रॉकेट। और करके जहां पे मेरा स्पिरिचुअल मेलेडी ओवरकम होती है, मेरा अज्ञान दूर होता है कि मैं हूं कौन, क्या मैं ये शरीर हूं, तो मैं एक स्पिरिट हूं, और जब वो स्पिरिट से मैं जिंदगी जीता हूं, तो मेरे अंदर में वो चेतना आती है जिस चेतना को मैं मार डालना चाहता था, प्रताड़ित करना चाहता था, बेहोशी में जाना चाहता था, पूर्णतः अपने आप को अंधेरे में रखना चाहता था, संवेदनाहीन कर देना चाहता था खुद को, वो ऑब्लिवियन था, वो मेरा वो बेहोशी का आलम था, जहां पर प्रताड़ित होने के बाद में, लज्जित होने के बाद में, लाज्जित होने के बाद में लोग बोलते रहते ये बेशरम हो गया, राक्षस बन गया, इसको दिल ही नहीं है, इसको कोई भावना नहीं बची, इसको हमारे बारे में कुछ लगता ही नहीं है, ये एक शाप के रूप में आ गया है। वही शाप एक अभिशाप बनता है जब ये नम्रता आती है, मैं अपनी गलतियों से सीख लेता हूं। और करके सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ है वो पढ़ के मैं मेरा शेयरिंग रोकता हूं। सपोज वी फॉल शॉर्ट, क्योंकि अगर मेरी नैतिकता है, नीतिबद्धता है, जिंदगी जीने के कुछ धोरण है, मैंने कुछ मॉरल बिल्डअप करना है, मेरा कैरेक्टर बनाने का है, मुझे भावनिक संतुलन चाहिए है, तो वो जो मेरी डिपेंडेंसी थी लोगों पर, परिस्थिति पर, सिचुएशंस पर, सर्कमस्टांसेस पर, भाग्य पर, वो वहां से हटकर ईश्वर पर जाने को होना। और वो ईश्वर पर जाने के लिए वो चौथा और पांचवा कदम, वो स्पॉन्सर का मार्गदर्शन जो मुझे ईश्वर से जोड़ता है, जो बिल साहब बोलते हैं कि ये पावर का डायलेमा दूर करना ही इस किताब का मेन मकसद है, विल अनेबल यू टू फाइंड दैट पावर, आपको शक्ति मिले जो आपकी पूरी समस्या को दूर कर देते, प्रॉब्लम विल नॉट एग्जिस्ट, ऑब्सेशन निकल जाएगा और प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, समस्या ही नहीं रहेगी, आपको सिक्स सेंस ऑफ लिविंग, सिर्फ पंचेंद्रियों से नहीं, आप आत्मेंद्रिय से जीना चालू करेंगे, आत्मा से जीना चालू करेंगे,
जिसको हृदय की भाषा बोली गई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक स्पिरिचुअल किंडरगार्टन है, यहाँ पे लेसन लेना है, और ये लेसन है मैं नैतिकता के, नीतिमत्ता के, एक नैतिक जीवन के, एक वसूलों का जीवन जो जीना चाहता था, सबके लिए अच्छा एक जीवन, एक उपयोगी जीवन जीना चाहता था, एक निष्क्रियता निरुपयोगी एक निराशा भरा जीवन मैं नहीं चाहता था, एक भरोसे का जीवन चाहता था, वो बार बार क्यों टूटता था? क्योंकि मेरी नैतिकता, नीतिमत्ता या जिंदगी ये सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल और प्लेसेस पे डिपेंडेंट थी। ये मेरी डिपेंडेंसी कोई ऐसी शक्ति पर नहीं थी जो अविरत थी, जो हमेशा थी, जो सदा बनी थी, और करके ही मैं इन आइडियल्स से गिरता था और शराब की तरफ जाता था। क्या यही सच है कि मैं बार बार शराब पीते रहूंगा? नहीं, ये आधा सच है। पूरा सच तो यह है कि अगर मैं अपने गलतियों से लज्जित हूं, क्षमा प्राप्ति करना चाहता हूं, ईमानदारी से अपने चूक भूल को सुधारना चाहता हूं, मैं भगवान के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने पूर्णतः सच को उजागर करता हूं और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चूक भूल को सुधार के मेरे को एक नीतिमत्ता का, नैतिकता का वो जीवन दे, तो मेरे ऊपर बहुत प्यार करता है, कृपा करता है, वो मेरे को कढ़ाई में नहीं डालने वाला, वो मेरे को नरक में नहीं भेजने वाला। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो मेरे को माफ करता है, वो मेरे को सही समझ देता है, और उस समझ के द्वारा, उस पाठ के द्वारा मैं अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से, बिना ह्यूमिलिएशन के, नम्रता से, आनंद से, प्रेम से, आस्था से, एक सही रीतिया उसके देखरेख में अपने जिंदगी को जीता हूं, और वहां पे मैं एक पाठ पढ़ता हूं, लेसन लेता हूं। अगर मैं पाठ नहीं पढ़ता, मैं लेसन नहीं लेता, अगर मैं बार बार गलतियां करता हूं, तो मैं शराब ही पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा मगर शराब पीते रहूंगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या तो मैं उस प्रकार के दलदल में ही जीऊं, या एक सुचारू रूप का एक जीवन जीने के लिए मैं सबक लूं, पाठ पढ़ूं, ईश्वर से प्रार्थना करूं और अपने भूल सुधार को करने के लिए हमेशा तैयार हूं। करके ही ऑनेस्टी के मामले में इतना ही कहूंगा कि जहां सेल्फ चीटिंग, खुद को धोखा देना या दूसरों को धोखा देने का इरादा ही खत्म हो जाता है, वहां पे मैं ऑनेस्ट होता हूं। जब मैं हर हमेशा एक स्टूडेंट बन के सीखने के प्रयास में रहता हूं कि जो भी नई बातें हैं, नई आइडियाज है, नई सोच है, नए तौर तरीके है, उनको मैं अपना सकूं, उनके लिए मेरा खुला मन हो जाता है, तो दैट इज ओपन माइंड। और तीसरी बात है विलिंगनेस टू गो इन टू अ बेटर लाइफ, बेटर वर्जन, डे बाय डे, वन डे एट अ टाइम, आज से कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर, चेंज में जाना, चेंज इज द रियलिटी। एक समान हमारे जॉन साहब बोलते हैं कि जो पानी रुक गया वो गंदा हो गया, वहां पे कीड़े मकोड़े हो गए, वहां पर वो किसी काम का नहीं रहा, मगर जो बहता पानी है वो अपने गंदगी को साफ करते रहता है, दुनिया के गंदगी को साफ करते रहता है, वो शुद्ध रहता है, वो प्रवाहित रहता है, वो जल हर किसी के काम में आता है। मेरी जिंदगी एक उपयोगिता है, एक देन है, एक वरदान है। मेरे अनुभव वो दिखने को शाप थे, मगर वही अनुभव आज मेरे जिंदगी में एक जबरदस्त रीति ठेव है, और ये शापित जीवन सही में तो शापित था ही नहीं, ये तो एक ऊपर वाले का वरदान था। ये बात ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये मेरे समझ में आती है जब वो सही नम्रता, सहिष्णुता, सहनशीलता, जो प्यार, जो इस धरोहर का एक मुख्य भाग है, वो मेरे जिंदगी में काम करने लगता है। जब मैं उसके देखरेख में संपूर्णतः अपने आप को छोड़ के एक स्पिरिट के साथ में, आत्मा के साथ में, हृदय से अपने जीवन को जुड़ जाता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जुड़ जाता हूँ, बिलोंगिंग आता है, और इस धरोहर का एक लाभ जबरदस्त रीता मेरे जीवन में आता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।